गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ सब्जेक्ट ओपन पेज नंबर 164 राइट टू डेज डेट एंड डे नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर नाइन पैरामीटर एंड एरिया रिकॉल पैरामीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है ये वाला पोर्शन ये उसकी बाउंड्री कहलाती है इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वो उस शेप का पैरामीटर कहलाता है ठीक है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं देखिए यहाँ पर पैरामीटर ऑफ द अबाउ रैक्टेंगल ये जो एक पैरा एक रैक्टेंगल है इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे इसकी जो टोटल लेंथ दी है जैसे ये थ्री मीटर प्लस टू मीटर प्लस थ्री मीटर प्लस टू मीटर इनको जब हम टोटल करते हैं तो आता है टेन मीटर तो ये जो टोटल आंसर है ये इस रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ पैरामीटर कहलाता है ठीक है यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर बना है जैसा कि आप सभी जानते हैं स्क्वायर की जो फोर साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं है, है ना तो इसके लिए पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें एक ही साइड की वैल्यू दी है थ्री सें थ्री सेंटीमीटर मीन्स ये भी थ्री सेंटीमीटर है ये प्लस ये फोर साइड फोर साइड जो है इनकी इक्वल होती हैं तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इक्वल्स टू ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है अब देखते हैं एरिया एरिया क्या कहलाता है एरिया इज द सरफेस कवर्ड बाय अ फ्लेट क्लॉस शेप इन स्क्वायर यूनिट किसी भी जो क्लोज uh, शेप्ड होते हैं क्लोज शेप्ड हमने पढ़े हैं ये इस प्रकार के शेप जो हैं बंद वाले ये इनका जो स्क्वायर यूनिट यहाँ पर देखेंगे आप इसमें ये स्क्वायर यूनिट होती हैं तो इनके द्वारा जो कवर्ड किया गया सरफेस होता है वो उस शेप के लिए एरिया कहलाता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये जैसे ये एक शेप है इसमें कितने स्क्वायर हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो इस, इस शेप के लिए एरिया क्या होगा फ़ाइव फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है और यहाँ पर देखेंगे आप ये वाल ये जो शेप है इसमें टोटल एटीन स्क्वायर यूनिट को ये कवर कर रहा है तो इस शेप के लिए एरिया होगा एटीन स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है अभी यहाँ पर पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या है टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस टू मल्टीप्लाई ब्रिथ ओके ना पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर स्क्वायर के लिए फोर साइड्स होती हैं इसलिए फोर मल्टीप्लाई साइड एंड पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर शेप रेगुलर शेप के लिए पैरामीटर की फार्मूला क्या है नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड ठीक है वी कैन यूज अ स्क्वायर पेपर टू मेजर पैरामीटर एंड एरिया एक्यूरेटली ठीक है नाउ नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ अ रैक्टेंगल अभी एक रैक्टेंगल शेप है उसका पैरामीटर कैसे आप निकालेंगे द एडजाइनिंग फिगर शोज द इंडियन नेशनल फ्लैग विच इज़ रैक्टेंगुलर इन शेप यहाँ पर जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है इसका शेप कैसा है रैक्टेंगुलर ठीक है टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल वी एड बोथ द लेंथस एंड ब्रिथ्स इसका पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा इसकी लेंथ और ब्रिथ को एड करना होगा सिंस बोथ लेंथ्स आर इक्वल एंड ब्रिथ्स आर इक्वल वी कैन से पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी एल मीन्स लेंथ एंड बी मीन्स ब्रिथ ओके okay. या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई एल प्लस टू मल्टीप्लाई बी या टू को हम बाहर लिखते हैं इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं एल प्लस बी तो जैसे कि हमारे नेशनल इंडियन फ्लैग में जो लेंथ है वो टू है ठीक है एंड उसकी जो ब्रीथ है वो थ्री है तो टू इक्व टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हमने थ्री थ्री प्लस टू किया थ्री प्लस टू फाइव टू मल्टीप्लाई फाइव इक्व टू टेन ठीक है तो एक और इसका एग्जाम्पल दिया गया है रेगुलर पार्क रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ फोर्टी मीटर एंड ब्रिड थर्टी मीटर इज टू बी फ्रेंसड हैज़ वॉट इज़ द लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड तो इसके पैरामीटर निकालने के लिए लेंथ फोर्टी प्लस ब्रिड थर्टी इनको प्लस किया सेवेंटी तो टू मल्टीप्लाई सेवेंटी इक्व टू वन फोर्टी मीटर ठीक है अभी आगे है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर स्क्वायर के पैरामीटर कैसे निकालेंगे लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर सीट्स ऑफ पेपर साइड

तो हमारा आंसर आता है 48 सेंटीमीटर ठीक है तो इस प्रकार से हम स्क्वायर रेक्टेंगल इनका पैरामीटर निकाल सकते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है इसे आप देखेंगे माइंड जिम नाइन ए यह आपके लिए होमवर्क है इसे आपको कंप्लीट करना है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अब एक रेक्टेंगल है उसका एरिया कैसे हम निकालते हैं चलिए एरिया के लिए क्या हमने भी पढ़ा एरिया कैसे होता है जो भी आपका शेप है है ना उसमें जितने भी स्क्वायर बॉक्स वो उसमें फिट होता है वो उसका एरिया कहलाता है तो लुक एट द टू डिज़ाइन रैक्टेंगल्स गिवन बिलो मेड विद स्क्वायर ईच ऑफ साइड वन सेंटीमीटर और इसमें जो प्रत्येक स्क्वायर होता है इसकी एक साइड की यूनिट uh, कितनी है वन सेंटीमीटर ठीक है तो यहाँ पर वन टू एंड थ्री थ्री स्क्वायर है मीन्स ये कितने के हुए थ्री सेंटीमीटर और यहाँ पर है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो ये अपने कितने हैं सिक्स सेंटीमीटर ठीक है तो इन रेक्टेंगल ए इसमें लेंथ है सिक्स सेंटीमीटर एंड ब्रिथ है आपकी थ्री सेंटीमीटर तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप इसके टोटल जो बॉक्स हैं उनको काउंट कर लेंगे तो आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका एरिया निकल जाता है इसी प्रकार से यदि आप लेंथ और ब्रिथ को मल्टीप्लाई करते हैं मीन सिक्स मल्टीप्लाई थ्री तो हमें कितना आता है आंसर 18 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसके बॉक्स की वैल्यू भी कितने कितने बॉक्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन है ना तो ये एटीन है और यहाँ पर देखेंगे ये जो है हमारा रेक्टेंगल बी इसकी लेंथ है नाइन सेंटीमीटर और ब्रिथ है टू सेंटीमीटर तो बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स इसके यदि स्क्वायर हम काउंट करते हैं तो कितने हैं एटीन और यदि हम एल मल्टीप्लाई बी मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ करते हैं मीन्स नाइट मल्टीप्लाई टू तो भी हमें वैल्यू की मिलती है एट्टीन ठीक है तो हैंस वी कैन से दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ जो एरिया होता है रेक्टेंगल uh, का वो उसकी लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ठीक है ऑल्सो सेम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैन बी ऑप्टेन बाई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ ओके नाउ टर्न द पेज एरिया ऑफ अ स्क्वायर अभी एक स्क्वायर का एरिया कैसे हम निकाल सकते हैं अ स्क्वायर इज अ सिंपल रेक्टेंगल इन विच लेंथ एंड ब्रिथ आर इक्वल स्क्वायर में क्या होता है एक ऐसा स्पेशल ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रिथ दोनों बराबर होती हैं है ना लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्स मेड ऑफ यूनिट स्क्वायर ईच ऑफ साइड इक्वल्स टू इक्वन सेंटीमीटर सिंस देयर आर फोर यूनिट स्क्वायर्स इन द बिग स्क्वायर इस एरिया इक्वल्स टू फोर स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर ये जो एक दिया है स्क्वायर इसमें कितने बॉक्स हैं वन टू थ्री फोर तो इसका एरिया कितना आ रहा है फोर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑल्सो साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स इसकी साइड कितनी है टू एंड टू तो टू मल्टीप्लाई टू इक्व टू फोर ठीक है सिमिलरली एरिया ऑफ द स्क्वायर सेकेंड वाला ये वाले के लिए साइड मल्टीप्लाई साइड इक्व टू ये थ्री है और ये थ्री है थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन है ना और हैंस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्व टू साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स थ्री मल्टीप्लाई थ्री इक्व टू नाइन ठीक है और एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेंटेड इन द क्यूब शेप्ड बॉक्स ऑफ साइड टेन सेंटीमीटर है ना तो इसको भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं अभी हमारा है माइंड जिम नाइन बी ये भी आपके लिए होमवर्क है यदि आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ ट्राएंगल अभी ये एक रेक्टेंगल है इसे टू पार्ट में डिवाइड किया तो ये एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बन गया और एक एक ट्राइंगल बन गया ठीक है तो इसका एरिया आप कैसे निकालते हैं रोहन कट आउट रेक्टेंगल आउट ऑफ अ स्क्र पेपर ग्रैफ पेपर एंड कट इट डायगोनली टू गेट टू ट्रायंगल्स इसमें इनको एक उसने रोहन एक बच्चा है उसने क्या किया एक स्क्वायर पेपर लिया और उसको रेक्टेंगल uh, शेप का एक स्क्वायर पेपर लिया है और उसको बीच से ट्रायंगल uh, शेप में टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया ठीक है तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कट ऑफ बाय रोहन इक्वल्स टू एल बाय बी इसके रेक्टेंगल के लिए यदि एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं तो इसकी लेंथ और ब्रिथ आती है है ना मीन्स इसकी लेंथ है फाइव और ब्रिथ है थ्री तो फाइव मल्टीप्लाई थ्री इक्व टू फिफ्टीन स्क्वेर सेंटीमीटर ये हम बात कर रहे हैं इस पूरे रेक्टेंगल के लिए ठीक है अब ट्रायंगल के लिए किस प्रकार से होगा सिंस द टू ट्रायंगल्स वर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग एंड कटिंग द ट्रैक ट्रै सॉरी रैक्टेंगल अलॉन्ग द डायगनल वी हैव द फॉलोइंग द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है एक रैक्टेंगल था है ना? इसे बीच से कट किया तो ये क्या हो गया टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना इसका एक ट्रैंगल ये पोर्शन बन गया और एक ट्राएंगल पोर्शन ये बन गया ठीक है द एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर अब जो ट्राइंगल बने दो वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं इक्वल हैं ठीक है एरिया ऑफ ईच फॉर्मड तो इसके द्वारा जो बना हुआ ट्रैंगल है वो क्या होगा वन हाफ और मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर निकाला है ये क्या है फिफ्टीन स्क्वायर तो वन बाय टू मल्टीप्लाई फिफ्टीन इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा आंसर सेवन पॉइंट फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है तो ये हमारा आंसर है इसी प्रकार से इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल जो भी ट्राइंगल है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं ठीक है थीके? नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ इरेगुलर शेप मीन्स कोई भी कोई इरेगुलर uh, शेप समझते हैं कोई निश्चित आकृति नहीं है तो उसके लिए किस प्रकार से हम एरिया uh, उसका कैसे निकालेंगे इरेगुलर शेप है बाउंड्रीज विच नॉट बी एक्यूरेटली मेजर इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम एग्जैक्टली uh, मेजर exactly नहीं कर सकते हैं दे कैन बी ड्रॉ ऑन द स्क्ट पेपर वो एक स्क्वाट पेपर पर हमें उसे ड्रॉ करना है आर फॉर्म्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फुल हाफ एंड मोर देन हाफ स्क्वायर इनसाइड द शेप्स कंसीडर अ मोर देन हाफ स्क्वाज वन फुल फुल फुलर हाफ स्क्र इज टू हाफ स्क्वाज वन एंड फुल स्क्र एंड इग्नोर लेस देन हाफ स्क्वा so do not count them find the area of the shape given below draw on a squared paper solution to find the area of the shape count the number of full square more than half square and half squares in it तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि यदि कोई रेगुलर शेप है तो उसके द्वारा सबसे पहले देखते हैं कि कितने स्क्वायर जो हैं वो फुल हैं और कौन से ऐसे स्क्वायर हैं जो आधे से ज़्यादा हैं है ना और कौन से ऐसे स्क्वायर हैं जो आधे हैं हाफ हैं और कौन से ऐसे स्क्वायर हैं जो आधे से कम हैं ठीक है ठीके? तो जो पूरे फुल होते हैं फुल स्क्वायर जो कवर हो रहे हैं उनको हम वन वन काउंट करेंगे सबसे पहले और यदि कोई स्क्वायर ऐसा है कट जो आधे से ज़्यादा कट है जो यहाँ पर है देखिए ये आधे से ज़्यादा कट हो रहा है तो इसे भी हम वन काउंट करेंगे ठीक है और जो स्क्वायर आधा कट होगा उसे हम आधा ही लेंगे ठीक है और ऐसा स्क्वायर जो कि आधे से भी कम है तो उसकी वैल्यू हम ज़ीरो मानते हैं ठीक है तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर यहाँ पर हमने काउंट करे तो नंबर ऑफ़ फुल स्क्वायर इनके आए हैं ट्वेंटी टू और नंबर ऑफ़ हाफ़ स्क्वायर हैं टू तो टू हैं तो इनको भी हम आधा करेंगे तो टू डिवाइड बाय वन मीन्स ये हो जाएगा वन नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर मतलब जो हाफ से ज़्यादा हैं ऐसे स्क्वायर हैं एट तो इन्हें जब हम टोटल करते हैं तो एरिया ऑफ द शेप आ जाता है ट्वेंटी टू प्लस वन प्लस एट इक्स टू थर्टी वन सेंटीमीटर ठीक है अभी देखेंगे हम माइंड जिम नाइन सी इसमें भी इसी प्रकार के कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं सॉल्व करने के लिए इन्हें आप करेंगे यदि कहीं कुछ आपको डाउट है कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू